क्या हाल है सभी के। आज है फ्रेशर पार्टी और मैं अभी उठाऊँ सो के। अभी टाइम हो रहा है, बड़ी वाली घड़ी तो फोड़ दी, 1 बज रहे हैं। और पता है व्लॉग बनाने के लिए थोड़ी एनर्जी चाहिए होती है, तो मैं अभी नहा के आया, फिर बात करता हूँ आपसे। तो नहा तो मैं गया, अब बारी है रेडी होने की। लेकिन उससे पहले एक साथ वाला आ रहा है, तो पहले उसका वेट करा। लाइट चलेगी भाई जी, थोड़ी देर में बात करता हूँ। खिड़की जिंदाबाद। तो एक साथ वाला आ रहा है, तो उसका थोड़ा सा वेट करते हैं, जब वो आ जाएगा फिर रेडी होंगे, क्योंकि अभी हमारे पास 1-1.5 घंटा है, फिर तो होते रेडी। आ तो जा। और अब बारी है मेरे तैयार होने की। भाई जी अब होंगे तैयार, तुम तो हैंडसम लग रहे हो, ज्यादा ही बढ़िया लग रहा है भाई जी। अब मुझे भी कुछ करना पड़ेगा, देखो कॉम्पिटिशन बराबर का होना चाहिए, बराबर का। भाई लेटे 1 घंटा हो गया। सोच रहा हूँ सबसे आखिरी में जाएंगे, नहीं है सबसे आखिरी में जाएंगे वो फ्रेशर में। हाँ लास्ट में चलेंगे, बिल्कुल लास्ट में चलेंगे, लास्ट में। तो अभी हो रहा है टाइम 2:40, 3:40 पे निकलेंगे, 1 घंटा और हम पे। अब होते हैं तैयार फ्रेशर के लिए, दिखाता हूँ आपको तैयार होके। 3, 2, 1 फाइनली हो गए रेडी। और ये मैं पहन रहा हूँ आज के लिए। कैसा लगा? अच्छा लग रहा होगा ना? ये नहीं समझ आ रहा, इसे डालू या ना डालू, इसे डालू क्या, ये कैसा लग रहा? अब ये नहीं समझ आ रहा, अब जब तक आप लोग बताओगे तब तक तो लेट हो चुकी होगी। तो देखते हैं, अब खुद ही डिसाइड करते हैं क्या डालते हैं। हो चुके हैं हम रेडी, बाल वाल थोड़े बहुत हाथ से सेट कर लिए जैसे जैसे हुए। ये ज्यादा लाइट आ जा रही है बाहर से और नीचे। तो ये है मेरा फुल आउटफिट का लुक, कैसा लग रहा बता देना। तो अब 1-2 फोटो खींचते हैं कैमरे में, फिर चलते हैं अपना, फिर देखते हैं कॉलेज में क्या फ्रेशर है कोई तुम्हारे भाई से स्मार्ट नहीं है ना। नहीं, यही कह रहा था मैं। चलो फिर अब चलते हैं फोटो खींचने, और उसके बाद सीधा चलते हैं कॉलेज, फिर आपको कॉलेज का सीन दिखाता हूँ कॉलेज में क्या चल रहा। अबे लौंडियाबाजी हो गई, तो चलते हैं चलो। फुर्सत नहीं भाई जी, फुर्सत नहीं लौंडियाबाजी से भी। पैन के गोटे चले, दोनों भाई रेडी हो चुके हैं, चलते हैं अब चाबी उठा के। हाँ वो अलग बात है, ये बुलेट में जा रहा है मैं, क्योंकि भाई ये मुझे बुलेट चल, भाई तो ऐसी बात है तो दे दे बुलेट चलाने दे दे, आजा स्कूटी में। निकल चुके हैं हम, अब देखते हैं क्या माहौल है अंदर का। कॉलेज के अंदर तो पहुंच चुके हैं, अब माहौल ऐसा कुछ है। उधर खड़ी करवाता वो एक दुखद न्यूज बेकार यार, लड़का और लड़की के बीच में बैरियर दिख रहा है, लड़की अलग और लड़के अलग। चले घर चले वापस, अब क्या काम है, 8 बजे के बाद सब एक हो जाएंगे। कर दिया दिल के अरमान अलग नहीं, एक कर दिया। अरे एक तो कर दिया तुम्हें, तुम्हारे से एक हो के क्या फायदा, जहाँ एक होना था वहाँ उन्हें दिया। सबसे पीछे और यहाँ से कुछ नजर नहीं आ रहा भाई जी, टाइम पास हो रहा है बस, टाइम पास। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि घर चला जाऊँ। घर चल ले क्या, पागल है क्या, हरियाली। भाई की गर्लफ्रेंड डांस कर रही है उधर, बताओ कौन है। बोरिंग सा प्रोग्राम चल रहा है, जैसे कहते हैं ना बोरिंग है, तो अपनी क्लास का ही लेकिन बोरिंग चल रहा है, मजा नहीं आ रहा। ये तो अब हमने गाना गा रहा वो सुनी भाई, इंग्लिश कितनों को आ रही है, इंग्लिश समझ में कितनों को आ रही है, इंग्लिश समझ में इंग्लिश। तो हमने सोचा बैक स्टेज ही क्यों ना खड़े हो जाए, और हम यहाँ से देख रहे हैं सारा प्रोग्राम, देख रहे हो यहाँ से हमें सारा प्रोग्राम दिख रहा है, पीछे कौन क्या कर रहा, आगे कौन क्या कर रहा। तो बस यार थोड़ा सा एक दो प्रोग्राम और देखेंगे, मजा नहीं आ रहा, घर चलते हैं सीधा, और मजा नहीं आ रहा घर चलते हैं, और क्या है? चलते हैं बस। रुको एक सेकंड भाई, सच में सबसे वर्स्ट फ्रेशर था, इससे अच्छा तो हमारा था जब मैं फर्स्ट ईयर में था ना, इससे अच्छा था। मेरे को भी अब दुख हो रहा है कि मैं ये ब्लॉग क्यों बना रहा हूँ, तो अब माफ़ी चाहता हूँ, देखता हूँ ये ब्लॉग अपलोड करूँगा या नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं, गए और सीधा घर आए। तो बस ये देखते हैं कि अब कुछ नहीं देखते भाई, अब चलते हैं घर, घर चलेंगे, चलो घर चलते हैं अब, कुछ नहीं हुआ इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहते हैं। 500 रुपये क्यों दिए होंगे अब मुझे ना, ये इस पे वो हो रहा है, 500 रुपये क्यों दिए होंगे साला, 500 रुपये की मैं।
तू भी भौंक ले, तेरी कमी है, भौंक ले तू भी। कुत्ते भी भौंक रहे हैं भाई जी। चलते हैं यार, अब घर चलते हैं। फ्रेशर पार्टी खत्म हो चुकी है, घर आ चुका हूँ। सच बताऊँ तो यार, क्या बोलो, मैं एक बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। मेरे को पता है तुम्हें भी मज़ा आया नहीं होगा ब्लॉग देख के। हाँ, मेरी शक्ल देख के मज़ा आ रहा होगा तो वो अलग चीज़ है, बट मुझे पता है ब्लॉग इतना इंटरेस्टिंग है नहीं। मैं दिल से कह रहा हूँ, मुझे खुद अच्छा नहीं लगा, आप लोगों को क्या अच्छा लग रहा होगा। बट फिर भी वो कहते हैं ना, लाइफ में अप्स डाउन सब आते हैं। कोई दिन ब्लॉग बहुत अच्छा रहता है, कोई ब्लॉग नीचे रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई अच्छा ब्लॉग है तो उसको आपने पूरा प्यार पूरा सपोर्ट दिया, और कोई ब्लॉग अच्छा नहीं है तो उसको डाउन। मतलब प्यार करने वाले जो लोग होते हैं ना, जो मेरे को सही में दिल से प्यार करते हैं, कई बहुत सारे हैं, बहुत सारे आपके मैसेज कमेंट, इंस्टा पे मैसेज, यूट्यूब पे कमेंट, रिप्लाई सब करता हूं मैं, सब पढ़ता हूं ए टू जेड। तो मुझे पता है चाहने वाले हैं, तो बस यही है कि जो बहुत अच्छे हैं उनको भी प्यार दो। लेकिन कुछ दिन हमारे भी लाइफ में, मेरे भी लाइफ में कुछ दिन खराब जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि मेरी लाइफ में सब दिन अच्छे जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। तो ये मेरी लाइफ के लिए आज का ये थोड़ा डाउन दिन था, आपके बोलने पे मैंने लॉन्ग व्लॉग बनाया, तो अब इसे प्यार दिखाने की बारी है आप सबकी। तो यही था मेरा आज का दिन, मिलते हैं कल इसी वक्त। सब्सक्राइब कर लो, तब तक।